नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए, मैं एक नया वीडियो एक लेकर आया हूँ, एक नए टॉपिक पर, यानी बुक्स के ऊपर। बुक्स कौन सी खरीदनी चाहिए हमें? तो मुझसे अक्सर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें जब यूपीएससी जर्नी अपनी शुरू करनी है तो कौन सी बुक्स हमें खरीदनी चाहिए। तो देखिए, जैसे आप सब ने गूगल पर या यूट्यूब पर जब भी सर्च किया होगा कि हमें कौन कौन सी बुक्स हम खरीदें या कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें ताकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आपको बहुत सारे आंसर मिले होंगे। बहुत यूपीएससी टॉपर्स ने आपको बताया होगा, उन्होंने वीडियोस शेयर करे होंगे। देखिए, आपने इंटरनेट और यूट्यूब पर जब सर्च किया होगा तो आपको काफ़ी आंसर्स मिले होंगे, काफ़ी यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनके आपको आंसर्स मिले होंगे, जिसमें सभी लोगों ने बताया होगा कि आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकली पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी लोगों से पूछ कर उनके एक्सपीरियंसेस से समझ कर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि बुक्स कौन सी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी खरीदनी है, कौन सी काम की नहीं है। तो देखिए, जनरली होता क्या है, जब भी मेरी अपनी ये थिंकिंग है या मेरा अपना ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने ये एक चीज़ ढूंढी है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। उन रिसोर्सेज को आप मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज करो। मतलब आपके पास अगर 10 चीज़ें हैं तो आप 10 चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करो, रादर दैन कि आपके पास 100 चीज़ें हों एक ही चीज़ के लिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस देखिए, जब आप स्कूल में थे या जब आप कॉलेज में थे तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स पढ़ते थे? मुश्किल से 1 या 2 बुक पढ़ते थे। तो वैसे ही सिमिलरली ये वाला एक यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक्स पढ़नी है और उसको बार बार पढ़ना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, तभी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और मैंने बाकी लोगों से पूछ के और बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए और उसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है। मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिविजन, ये चीज़ आप टर्म याद कर लीजिए, आपके लिए हमेशा फ़ायदा रहेगा। आप इनफैक्ट अपने लाइफ में ये चीज़ आजमा के देख लीजिए कि जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कितनी बुक्स खरीदी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर 10-15 बुकें खरीद ली हो। ऐसा ही होगा कि आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर 1 या मैक्स 2 बुकें खरीदी होंगी और आपने वही पढ़ी होंगी, वही रिवाइज़ करी होंगी, तभी आपके वो मार्क्स आए होंगे या नंबर आए होंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए काम आसान करने के लिए ये वीडियो बनाई है, मैंने आपके लिए कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से एक फंडा रहा है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए और उसका मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। तो जब भी आप कभी एक सब्जेक्ट के ऊपर बुक खरीदें या उनको पढ़ें तो आपके पास उस सब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम बुक्स होनी चाहिए या मिनिमम नोट्स होने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं उन बुक्स के बारे में जो आपको यूपीएससी जर्नी में हेल्प करेंगी। तो मेरा फंडा क्लियर है कि हमें बुक्स को मिनिमम करना है, रिसोर्सेज को मिनिमम करना है और उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। तो यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आइए उन बुक्स के बारे में हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। तो आइए अब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, लक्ष्मीकांत, एक बुक आती है लक्ष्मीकांत नाम से, आपको वो बुक खरीदनी है, उसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम जाते हैं जिसका नाम है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ लेनी है, इनमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिलेंगी आपको। तो आपको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी लेनी है,
इसमें एनसीईआरटी नई हो, ओल्ड वर्जन हो या नया वर्जन हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। ज्योग्राफी में ये क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटीज़ के अलावा आपको एक जीसी लियोंग नाम की एक बुक आती है, वो लेनी है। उसमें आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो मैं आपको बता दूंगा टाइम आने पर कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके अलावा कुछ नोट्स हैं ज्योग्राफी के, जो कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टाइमली। इसके अलावा आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली तीन चार हेडिंग्स में, हेड में डिवाइडेड है। एक आप वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली आपका मेंस में काम आता है, तो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं तीन, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम एक बुक है, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। ये बुक है, छोटी सी बुक है, अच्छी बुक है वो। ये आपका मॉडर्न इंडिया कवर कर देगी। उसके अलावा एशियंट मिडिवियल के लिए मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि एशियंट मिडिवियल के लिए आपके पास रिसोर्सेज जो है कमी नहीं है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता उन बुक से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, मेंस में या प्रीलिम्स में, वो जनरली एक या दो बुक्स पढ़ के नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो अभी हम पहले मोटा मोटा हम 70-80-90% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर है। उसके अलावा हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एनसीईआरटी लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी की समरी पढ़ लो। समरी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। अंबालिका स्मृति नाम, स्मृति कोई एक पर्सन है, उन्होंने एक एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए समरी निकाली थी, तो आप उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो मैं आपके लिए वो शेयर कर दूंगा, मैं वो अपलोड कर दूंगा, एनसीईआरटी की समरी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा आप इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक आती है, वो पढ़ लीजिए बेसिक इन्वायरमेंट की नॉलेज के लिए। उसके बाद आ जाइए आप इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं, या फिर रमेश सिंह करके एक बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। इन दोनों में से आप एक चीज़ ले लीजिए, या तो श्रीराम आईएएस के नोट्स ले लीजिए या रमेश सिंह जो बुक आती है आप वो ले लीजिए। दोनों मत लेना, कोई एक चीज़ लेना। अब देखिए, हमने ये बात तो करी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इनमें ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं आपका स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करेंगी। उसके अलावा कुछ मेजर पोर्शन इनमें करंट अफेयर्स से आता है, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको मेनली कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो वो हिंदू हो सकता है या वो इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। इन दोनों में से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। उसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगज़ीन, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, चाहे वो विजन आईएएस हो, चाहे वो बाजीराम हो, चाहे वो आईएएस बाबा हो, कोई भी आपके पास जो अवेलेबल मंथली मैगज़ीन हो इंटरनेट पर या मार्केट में, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो आप ले लीजिए मंथली। बस सिर्फ एक ही लेना। ये मत करना कि आप एक जुलाई महीने के लिए आप चार पांच मंथली मैगज़ीन उठा के ले आएँ। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ आपके पास एक न्यूज़पेपर हो, एक मंथली मैगज़ीन हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई कुरुक्षेत्र, कोई योजना मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई मैगज़ीन और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, और एक मंथली मैगज़ीन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सिर्फ एक मैगज़ीन। और इसके अलावा आप डिफरेंट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो अपने, आपके घर में आपका बड़ा भाई होगा, फादर होंगे, दादाजी होंगे, कोई होगा, या आपकी मदर होंगी, या कोई आपकी बहन जो न्यूज़पेपर पढ़ती हो, कोई भी जो आपके फैमिली मेंबर में, आपकी फैमिली में जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता हो या उसको करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट हो, उसके साथ आप डेली लेवल पे डिस्कशन कीजिए। करंट अफेयर्स के ऊपर कोई भी टॉपिक उठाइए, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, व्यू पॉइंट्स जानिए उनके, अपने व्यू पॉइंट्स बताइए,
डिस्कशन करने से बेसिकली आपके माइंड में चीज़ें रहती हैं, और पढ़ने से ज़्यादा बेटर डिस्कशन करना होता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के अलावा, तो आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं। यूपीएससी के अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा परीक्षा आप दे रहे हैं, कोई और एग्ज़ाम भी साइड बाय साइड दे रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगज़ीन आती है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट एक बचा इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसके लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ करंट अफेयर से पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर मैंने आपको जैसे बताया कि एक कोई भी एक न्यूज़पेपर, भले ही वो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, आपके पास कोई एक मंथली मैगज़ीन हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की चलेगी। उसके अलावा आप डेली लेवल पे या हर दूसरे तीसरे दिन फैमिली दोस्त किसी के साथ भी डिस्कशन करेंगे जो करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखता हो। और अगर आप कोई यूपीएससी के अलावा कोई और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो साइड बाय साइड आप प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया है कि श्री राम आईएएस के नोट्स या रमेश सिंह की बुक, इन दोनों में से कोई एक, प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपके कवर होंगे जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उससे। सिमिलरली आप पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत खरीदनी है, और कोई बुक नहीं खरीदनी, लेकिन उसको सप्लीमेंट आपने करना है करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उससे। उसके अलावा बचा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया जो नोट्स हैं, समरी है एनसीईआरटी की बाय अंबालिका स्मृति पर्सन नाम से कोई एक इन्होंने समरी निकाली थी वो, अदरवाइज जो मैं शेयर करूँगा वो, इन एडिशन आपको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करना है अपने सोर्स को। फिर आपका बचा इन्वायरमेंट आपको शंकर आईएएस के नोट्स या बुक कोई भी एक अवेलेबल हो, प्लस करंट अफेयर्स जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि एक न्यूज़पेपर, एक मंथली मैगज़ीन। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने आपको सारी मेजॉरिटी बुक लिस्ट तो आपको बताई दी है, तो आप कोशिश कीजिए कि इन बुक्स को आप खरीदिए और पढ़ना शुरू कीजिए। और ग्रेजुअली मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को क्लब करके आप पढ़ सकते हैं, कितने टाइम में आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आप बुक खरीदिए और अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू। तो कैसी लग रही है आप सभी को ये वीडियोस? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड की जाए जो आपके यूपीएससी जर्नी में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ये वीडियो दूर तक स्प्रेड कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस यूपीएससी जर्नी के बारे में, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों की भी हेल्प हो। थैंक यू।